के तैराक अब जूनियर नेशनल में रिकॉर्ड बनाने के सीनियर नेशनल में नया रिकॉर्ड बनाने के लिए जा रहे हैं। हरियाणा के 15 तैराकों की टीम इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 15 तैराकों में 12 लड़के और 3 लड़कियां तैराक है। हरियाणा तैराकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने बताया है कि 13 तैराकों की वाटर पोलो टीम भी इस बार सीनियर नेशनल में भाग ले रही है। हमारी हरियाणा की टीम सीनियर नेशनल की कल रवाना होगी गुवाहाटी असम के लिए। हमारे 15 खिलाड़ी भाग लेंगे तैराक इसमें, जिसमें से 3 लड़कियां हैं और 12 लड़के हैं। हमारे बहादुरगढ़ से 3 लड़के हैं और ऑल ओवर हरियाणा से 15 हैं। हमारी वाटर पोलो की टीम भी पंजाब और हरियाणा नॉर्थ जोन से 2 टीमें भाग लेंगी, जो हम एक वाटर पोलो की टीम हरियाणा प्रतिनिधित्व करेगी। और हमारे जूनियर नेशनल में भी पिछले हमने उड़ीसा में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नेशनल रिकॉर्ड बना के हम पदक लेके आए, और हमारे हरियाणा के सीनियर नेशनल में जो बच्चे जा रहे हैं सीनियर नेशनल में, वो भी रिकॉर्ड के साथ मेडल प्राप्त करके हमारे हरियाणा का नाम। अनिल खत्री ने ये भी बताया है कि जूनियर नेशनल में हरियाणा के तैराकों ने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल हासिल किए थे, और अब सीनियर नेशनल ने भी नया रिकॉर्ड बनाकर हरियाणा के तैराक मेडल हासिल करेंगे। हमारी आसाम के बाद दूसरी तैयारी हमारी नेशनल गेम्स की है, जो कि 27 सितंबर से 10 अक्टूबर राजकोट में होने जा रही है। उसमें भी हमारे तैराक करीबन, मैंने पहले ही अनाउंस किया है कि 4 से 5 मेडल हम हरियाणा की झोली में डालेंगे, हरियाणा का नाम रोशन करेंगे, हरियाणा तैराकी अपना नेशनल में अपना स्थान अपना अर्जित करेगी। बता दें कि 2010 में हरियाणा तैराकी की कमान भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर ने संभाली थी, जिसके बाद हरियाणा में तैराकी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया और तैराकी कोच के मार्गदर्शन में तैराकों को बेहतर तैयारी करवाई गई, जिसका परिणाम ओलंपिक में देखने को मिला। अब कुश्ती, बॉक्सिंग और कबड्डी के गढ़ हरियाणा को एक दिन तैराकों का भी गढ़ कहा जाएगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।